ओके चैप्टर नेम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पाइथागोरियन ट्रिम्पलेट, जिसका एक एग्जांपल हमने कल किया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो पहले एक बार बता देता हूँ फिर से कि पाइथागोरस ट्रिम्पलेट में पहले तो तीन जो पैर जो बन रही थी ना, उसको हमने इससे ऐसे लिखा था कि एक था वो 2m था, दूसरा था वो एम स्क्वायर माइनस 1 था और तीसरा था वो एम स्क्वायर प्लस 1 था। तो अगर आपको शायद ऐसा पूछे कि मिनिमम, तो मिनिमम में तो ये दो ही वर्ड होंगे। मिनिमम में या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही है कन्फर्म। तो मिनिमम अगर आपको पूछे कि मिनिमम कोई वर्ड दिया है तो दोनों में पुट करो और उसके बाद आप ट्रिम्पलेट फाइंड करो। अगर आपको मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम में इधर एम स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है या तो 2m हो सकता है, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस 1 ये तो मिनिमम ही है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस में वर्डिंग में ऐसा कुछ दिया है कि ये मिनिमम नंबर ये मैक्सिमम नंबर, तो अगर मिनिमम नंबर दिया है तो उसको इन दोनों से कंपेयर करो, या तो मैक्सिमम नंबर दिया है तो इनको उन दोनों से कंपेयर करो। मींस फाइनली ट्रिम्पलेट में कौन कौन से तीन है, तो एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m। कोई भी वर्ड दिया है वो इन तीनों में से ही, कोई भी आपको डिजिट दिया होगा वो इन तीनों में से ही एक होगा। तो आगे पढ़ो एग्जांपल नंबर 3। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिम्पलेट इन द विच वन नंबर इज 12। तो देखो आप फाइंड करो कि वन नंबर इज 12, तो हमको बोला नहीं है मिनिमम मैक्सिमम। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अभी 13 का तो स्क्वायर रूट कभी निकल ही नहीं सकता, हमको पता है कि जो 3 होता है 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 13 का तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। फिर चलो ये फर्स्ट का हो गया कि ये तो गलत है। अब सेकंड पे चलते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 रखो, तो एम स्क्वायर प्लस 1 तो 12, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11 वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 9 और 6 के बीच 16 के बीच में है ही नहीं, तो अब क्या ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 2m ही बचा। तो चलो अब 2m पे 2m पुट कर दे, तो 2m पुट करो, 2m पे अगर हम पुट करेंगे तो आंसर कितना है, हमको दिया है 12, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 6। ओके m इज इक्वल टू 6 आया, तो अब एम स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा एम स्क्वायर, तो m का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1 तो 35, फिर एम स्क्वायर प्लस 1 तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर प्लस, तो 6 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 1 तो 37। तो आपके तीन पैर की कौन सी तीन बनी हमारी, फिर से पैर में क्या क्या था, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 एंड 2m। तो एम स्क्वायर प्लस 1 आया 37, एम स्क्वायर माइनस 1 आया 35 और 2m कितना बन जाएगा 12। तो 12, 35 एंड 37 ये तीन हमारी पैर बन गई। तो 12, 35, 37 ये एक पैर हो गई। अभी एक्सरसाइज नंबर 6.2 में एक ट्रिम्पलेट में कोई भी एक वर्ड देखो, कोई भी एक से करवा देता हूं मैं, लाइक 14 ले लेते, चलो 14। तो चलो मैंने क्या बताया 14, तो 14 को पहले तीनों में पुट करो, 14 को क्या करो तीनों में पुट करो, टाइम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 ले लो, टाइम स्क्वायर क्या आएगा 15, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर एम स्क्वायर प्लस 1 रखो, टाइम स्क्वायर प्लस 1 14, टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये दो तो गलत हो गए, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों गलत हो गए। तो अब बचेगा क्या, अब क्या बचेगा, सिर्फ 2m बचा, तो 2m इज इक्वल टू कितना आया 14, तो m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, m इज इक्वल टू बन जाएगा 7, m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 7, m इज इक्वल टू 7 तो m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आएगा आपका 50, कितना आएगा 50, और m स्क्वायर माइनस 1 तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 48। तो हमारी पैर कौन सी आई 7 48 50, पैर कौन सी आई 7 48 50। तो कोई भी, अभी देखो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ले लो, 6 ले लो, 14 ले लो, 16 ले लो और 18 ले लो, तो क्या करो वन बाय वन पुट करो वैल्यू, पहले एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये ले लो, फिर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये ले लो, और अगर वो दोनों से काम नहीं बन रहा तो 2m इज इक्वल टू ये ले लो। तो आपको जो भी वैल्यू आएगी वो m की आएगी, वो m की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस 1 में रखो और एम स्क्वायर प्लस 1 में रखो, तो आपको पूरी ट्रिम्पलेट आपको मिल जाएगी। ओके चलो कल जो स्क्वायर में एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 देखा था उसी हिसाब से करेंगे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं बस सबका सेम ही रहेगा। तो चलो 93 चूज कर लेते हैं। ओके 93, तो हम 93 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो 93 का स्क्वायर, तो इसको वर्ड में कैसे है, मींस इसको ऐसे लिखेंगे 93 उसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 93 का स्क्वायर। तो 93 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 3
93 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 90 प्लस 3 1 टाइम और 90 प्लस 3 दूसरे टाइम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, पहले 90 से पूरा ब्रैकेट तो 90 प्लस 3 और फिर 3 के पास में पूरा ब्रैकेट, तो 3 के पास में पूरा ब्रैकेट फिर 90 प्लस 3। ओके, अब 90 इंटू 90 क्या होगा, तो 19 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू 3 तो 90 इंटू 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस, या 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 90 प्लस 3 का स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 90 का स्क्वायर, तो अब चलो हम हमारा वो लॉजिक लगाएंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 पुट करो, तो 81 पुट किया, 0 जब एक 0 होगा उसका स्क्वायर होगा तो डबल 0, तो 81 प्लस 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 पुट करो, पीछे एक राउंड मीन्स एक 0 है तो एक 0, यहाँ पे भी उसका उल्टा है तो उसका भी आंसर कितना आएगा 270, और ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 90। बस अब वैल्यू 8100 270 और 9, बस उसका सम कर दो, तो इसका सम 9 77 का 14, 1 ऊपर रखो 2 2 4 5 और 6, तो 6 और ये 8, तो 8649 क्या आंसर आया 8649। ओके, तो क्या किया इसमें, फिर से एक ओरली एक एग्जांपल बता देता हूँ, देखो 32, तो 32 में क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर, तो 32 को कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2, तो 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिखो, वैसे ही 35 को 30 प्लस 5 का स्क्वायर लिखो, इसको 80 प्लस 6 का स्क्वायर लिखो, इसको 70 प्लस 1 का स्क्वायर लिखो और इसको 40 प्लस 6 का स्क्वायर लिखो, और ये जो हमने प्रोसेस की वो करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा।